कंट्रीब्यूशंस। मेरा नाम अदित है और डिजिटल फॉरेंसिक्स में आज हम देखने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है? सो पहले स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। तो डिजिटल फॉरेंसिक इज कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर/साइबर रिलेटेड एविडेंसेस। मतलब जो डिजिटल फॉरेंसिक्स है वो किससे डील करता है? पहले वो कलेक्ट करता है, उसको प्रिजर्व करता है, उस पर एनालिसिस करता है और उसके बाद शाम कोर्ट में प्रेजेंट करता है, वो उसका गोल है। तो किस चीजों को पे करता है ये सब? साइबर रिलेटेड एविडेंसेस, मतलब कि जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस मिलते हैं हमको, चाहे वो डेटा हो, लॉग्स हो, आईपी हो, वो सबको पहले डिजिटल फॉरेंसिक्स कलेक्ट करता है, उसको प्रिजर्व करता है कि ताकि वो खराब ना हो, उसके बाद उस पर एनालिसिस करता है और फिर जो फाइनली उसका जो कंक्लूजन होता है वो प्रेजेंट करता है। सो ये इसका एक वर्क फ्लो है डिजिटल फॉरेंसिक्स का। सो डिजिटल फॉरेंसिक्स क्यों पिक्चर में आया आपको पता है कि देखो अभी जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं उनको कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हो? पहले लोकल पुलिस करती है, ठीक है, वो क्या करती है, पहले जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जगह होती है जहां पे वो वारदात हुई है। सो वहां पे क्या होता है, पहले सब जो एविडेंसेस है, मतलब अगर मर्डर वेपन है या जो भी है, उनको पहले कलेक्ट किया जाता है, उनको लेबल किया जाता है कि ये इधर से मिला था, फोटोज दी जाती है, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है? फॉरेंसिक टीम करती है ना। उसी तरह जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें भी फॉरेंसिक टीम होती है, डिजिटल फॉरेंसिक टीम, जो कि ये सब इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। सो बस फर्क इतना है कि ये कंप्यूटर रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनके एविडेंसेस से डील करती है और जो सादी वाली फॉरेंसिक्स होती है वो फिजिकल क्राइम या ट्रेडिशनल क्राइम जिनको आप बोल सकते हो उनसे डील करती है, उनके एविडेंसेस से। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट इज इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स डन इन द पास्ट। मतलब कि क्या कहते हैं कि जो प्रीवियसली जो हो चुका है ना उसकी रिपोर्ट्स में ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। मतलब ये रिपोर्ट्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है डिजिटल फॉरेंसिक्स। सो क्यों? अगर आप रिपोर्टिंग अच्छा करोगे तो अगली बार आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो ना। अगर आपको पता होगा कि पिछली बार कैसे क्या हुआ था और कहां हमारी सिक्योरिटी कम पड़ी थी, सो आप उस रिपोर्ट को देख के आगे का प्रिवेंशन कर सकते हो। सो डिजिटल फॉरेंसिक्स आपको वो प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड क्या, इट डिटरमाइंस द अटैक, एनालिसिस इट एंड देन प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट। मतलब क्या, पहले अटैक हुआ कौन सा है वो डिटरमाइन करता है। ऐसा बिना देखे थोड़ी देखेगा कि ये अटैक हुआ होगा, गेस थोड़ी मानना, मेरे को पहले अटैक देखना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, उसको क्लासिफाई करना है और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। जो अपने क्लासिफिकेशन देखे थे वो सब डिजिटल फॉरेंसिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, एग्जामिन्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब वोलेटाइल डेटा वाला वीडियो आप देख सकते हो जाके कि वोलेटाइल डेटा क्या होता है। सो फिलहाल अब इतना समझ के लो कि इट एग्जामिन्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स। मतलब जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ना जिनको अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में गायब हो जाएंगे, ये सिंपल सा उनका फंडा होता है कि वो इतने नाजुक होते हैं कि अभी उनको प्रिजर्व करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा बोला ना कि बाद में देख लेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं बाद में आपको। सो वो वाले जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उनका भी ये अच्छा क्लियर करता है और उनको एग्जामिन करता है। फोर्थ क्या है, इट लर्न्स एंड अपग्रेड्स इट्स इम्यूनिटी फॉर फ्यूचर अटैक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जो रिपोर्टिंग वाला जो फेज है उसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर अटैक्स को हम प्रिवेंट कर पाते अच्छे से, ठीक है। सो अब आ जाते थोड़ी इसकी तारीफ पे। सो तारीफ क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, भाई क्यों चाहिए ये? सो इट इज कंसर्न विद नॉट ओनली डिटेक्टिव वर्क बट ऑल्सो स्क्रैम्बल्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये सिर्फ डिटेक्टिव वाला काम नहीं करता, ये जो भी इसका डेटा है ना उसको स्क्रैम्बल भी कर देता है। मतलब जो भी इसको एविडेंसेस मिले हैं ना उनको ऐसा खुला नहीं रखता, ऐसा जरूरी नहीं कि उसे खुला रखेगा कि आओ इसको डिलीट कर जाओ, नहीं, वो उनपे एनक्रिप्शन करेगा या स्टेगनोग्राफी करेगा। सो कैसे यूज करते हैं लोग एनक्रिप्शन? अब एनक्रिप्शन के तो बहुत सारे हमने पढ़े हैं एल्गोरिथम्स। सो कोई भी एक यूज करके आप अपना डेटा एनक्रिप्ट कर दो, ठीक है। सो डिजिटल फॉरेंसिक ये करता है। और स्टेगनोग्राफी कैसे करता है वो, कि जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल है एक फोटो है, फोटो आपको पीसी में जब आप उसको क्लिक करोगे .jpg को, सो फोटो दिख जाएगी आपको, पर उसमें अगर एक प्रॉपर आप उसको एल्गोरिथम लगाओगे
आपको पता चलेगा कि उस फोटो के पीछे एक मैसेज था या कुछ छुपा हुआ था। तो ऐसे भी आप एविडेंसेस को हाइड कर सकते हो, या फिर जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एविडेंसेस को हाइड करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के और भी चीजों को कर सकते हो। कि डिजिटल फॉरेंसिक्स ऐसा राय देता है आपको कि आप एनक्रिप्टेड रखो अपना डेटा या स्टीगेनोग्राफी यूज करो डेटा को छुपाने के लिए, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो और एविडेंसेस को संभालने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल्सो प्रोवाइड्स डेटा करप्शन प्रिवेंशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडलिंग, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशंस गाइडलाइंस, फॉलोज रूल्स फॉर इंटेग्रिटी एंड करेक्टनेस। सो इसको आप याद कैसे रख सकते हो, DCMF, इसको कैसे एक फुल फॉर्म दे देते हैं कि डीसी नहीं मार्वल का फैन है, ठीक है, डीसी कॉमिक्स का फैन नहीं है, मार्वल का फैन है। कौन? डिजिटल फॉरेंसिक। तो वो डीसी वाली मूवीज कम देखता है, मार्वल वाली मूवीज ज्यादा देखता है, क्योंकि वो उसका फैन है। सो डी से क्या आता है, डेटा करप्शन प्रिवेंशन। सो डिजिटल फॉरेंसिक से कैसे इंश्योर करता है कि जो डेटा उसने जमा किया, डेटा बाद में जाके एविडेंस बनने वाला है ना, अभी फिलहाल जो रॉ डेटा है उसको वो क्या करता है, करप्शन होने से बचाता है, मतलब उसका प्रिजर्वेशन इतना अच्छा करता है वो कि ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उसको खराब ना हो जाए। जैसे उसके फॉरेंसिक डुप्लीकेट्स बनाता है, सो जो ये जो सब मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ना आगे के वीडियोस में आप देखोगे, सो जो फॉरेंसिक डुप्लीकेट्स बनाता है ताकि जो ओरिजिनल अपना जो डेटा है ना उसको ज्यादा साबोटाज ना करे, मतलब अपन उसको टच ना करें, उसको खराब ना करे, तो उसकी कॉपीज बना के और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है, कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडलिंग, मतलब अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, सो उसको हैंडल कैसे करता है डिजिटल फॉरेंसिक, के वही मैंने ऊपर बताया एनक्रिप्शन या स्टीगेनोग्राफी, वो आपको राय देते हैं कि ये दोनों चीजें यूज करो कॉन्फिडेंशियल डेटा को बचाने के लिए। तीसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस। सो जो भी गाइडलाइंस है विद इन द लॉ या विद इन द लॉ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन चीजों को ये मेंटेन रखता है और उन पे ध्यान रखता है कि हाँ भाई ये चीजें उसको फॉलो करनी है, ठीक है। फोर्थ क्या है, फॉलोज रूल्स फॉर इंटेग्रिटी एंड करेक्टनेस। सो इंटेग्रिटी ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा जैसा आया था वैसे ही होना चाहिए, कुछ ऑल्टरेशन उसमें होना नहीं चाहिए, वो चीजें वो वैसे रूल्स फॉलो करता है कि ये सब अवॉइड हो और डेटा का करेक्टनेस मेंटेन रहे, तो जैसे करेक्ट डेटा था वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। सो ये सब भी वो प्रोवाइड करता है। सो क्या क्या प्रोवाइड करता है, डीसीएमएफ डेटा करप्शन प्रिवेंशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडलिंग, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशंस गाइडलाइंस और फॉलोज द रूल्स फॉर इंटेग्रिटी एंड करेक्टनेस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेस पे। सो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। सो अगर ब्रॉडली अपन इसके प्रोसेस को देखें तो उसमें चार कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, कलेक्शन, दूसरा है एग्जामिनेशन, तीसरा है एनालिसिस और फिर रिपोर्टिंग। मतलब कुछ कलेक्ट करता है, उसको एग्जामिन करता है, फिर जो एग्जामिन किया था उससे कुछ उसको एनालिसिस मिलता है और फिर फाइनली उसको रिपोर्ट करता है। सो ये है प्रोसेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। सो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो देख लेते हैं। पहला पहला वाला क्या है, कलेक्शन। ये कलेक्शन क्या है, सबसे पहले आप इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। यहाँ पे क्या होता है, आप जो डेटा आपको मिल रहा है उसको आप कलेक्ट करते हो, उसको लेबल करते हो रेफरेंस के लिए। अब लेबल क्यों करते हो, अब जैसे किसी पीसी पे, विक्टिम पीसी पे डॉस अटैक हो, सो आप क्या करोगे, उसका आईपी लोगे, उसके सर्वर लॉग्स लोगे और ये सबको लेबल भी करोगे ना, कि ऐसी बस कॉपी पेस्ट करके रख लोगे अपने पास, बाद में ढूंढ रहे हो कि भाई कौन सी चीज क्या थी मेरे को तो पता भी नहीं। सो उसके लिए लेबलिंग ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो कलेक्शन ये इंश्योर करता है, और हाँ, और फिजिकल एविडेंसेस भी कलेक्ट करते हैं इस फेज में, कि जैसे किसी ने समझो ट्रेसपास किया, डेटा चुराया आपके ऑर्गेनाइजेशन से, तो कीबोर्ड पर उसकी उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं, सो वो वाले जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको भी कलेक्ट कर सकते हो आप कलेक्शन वाले फेज में। सेकेंड क्या है, एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन वाले फेज में क्या होता है कि पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो कि सेकेंड फेज है, दूसरा क्या ले सकते हो कि जो डेटा हमने लेबल किया था और जो रेफरेंस के लिए उठाया था उसमें से कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, प्रॉपर फॉरेंसिक टूल्स यूज करके, जो फॉरेंसिक टूल्स होते हैं उनको यूज करके हम इसमें से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं थोड़ा बहुत, और उसको अपने पास रखते हैं, ठीक है। और इंटेग्रिटी ऑफ एविडेंस को भी मेंटेन करते हैं ताकि
इस फेज में एग्जामिनेशन वाले में कि अपन एग्जामिन कर रहे तब तक ऐसा ना हो जाए कि अपन डेटा को ही खराब करते, मतलब उसको ही कुछ एग्जामिनेशन करते करते अपन जो डेटा का जो इंटीग्रिटी था वही चला गया, मतलब कुछ डेटा है उसमें से डेटा में से भी डेटा उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है ठीक है, तो वो भी वो इंश्योर करते हैं। तीसरा क्या है एनालिसिस, तो ये थर्ड फेज है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में से जो अपन ने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाला था ना उसमें से करने का या फिर कुछ एक उसमें वर्क फ्लो फाइंड करने का ट्राई करता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर एक एग्जाम्पल लो कि वो विक्टिम पीसी जिसके बारे में बात कर रहे थे उसमें पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था, ऐसा कुछ सामने आया, तो वो क्या करेगा ऐसे प्रीवियस रिपोर्ट्स निकालेगा, मैंने बताया डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या करता है प्रीवियस रिपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है, सो वो सब निकालेगा तो उसको एक पैटर्न मिलेगा कि अच्छा इन टाइम्स पे जरूरी अटैक होता है, सो पिछली बार हमने ये चीज कंक्लूड की थी तो इस बार भी हम ये चीज इससे कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये एनालिसिस वाला फेज होता है ठीक है। फोर्थ वाला क्या है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या है फाइनल फेज है, मतलब क्या हो गया एनालिसिस हो गया उस कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ मेरे अब एविडेंस मेरे पास जमा हो गए मतलब इंफॉर्मेशन ऐसा हो गया जो मैं एज एन एविडेंस यूज कर सकता हूँ कोर्ट में, वो एनालिसिस फेज का रिजल्ट होता है ठीक है। तो रिपोर्टिंग में क्या करते हैं अब आपने जो भी कुछ किया इतने पिछले तीन स्टेप्स में उस चीज को आप प्रॉपरली रिपोर्ट करते हो और ऐसा रिपोर्ट करते हो ताकि आप नॉन टेक्निकल पीपल को भी समझा पाओ टेक्निकल पीपल को भी समझा पाओ और उसमें हर एक डिटेल होनी चाहिए, कुछ छूटा नहीं होना चाहिए, यार ये नहीं कहेंगे तो भी चलेगा मेरे को याद है, ऐसा नहीं करना है आपको, फ्यूचर में कोई आपको रेफरेंस रेफर करने वाला है उस रिपोर्ट को, सो उसमें हर एक डिटेल होनी चाहिए ठीक है। सो ये हो गया रिपोर्टिंग वाला फेज। सो आप एक छोटा सा भी देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया कि कलेक्शन में हम मीडिया कलेक्ट करते हैं उसमें से डेटा निकालते हैं उस डेटा में से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एनालिसिस फेज में और फाइनली ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज एन एविडेंस यूज करते हैं रिपोर्टिंग में ठीक है। सो आप रिपोर्ट करते हो फाइनली या केस का चार्जशीट तैयार करते हो ऐसा भी बोल सकते हो ठीक है। सो क्या मीडिया कलेक्ट किया डेटा को एग्जामिन किया उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाला एनालिसिस किया उसके ऊपर और फिर फाइनली एविडेंस को रिपोर्ट किया। सो ये था अपना प्रोसेस डिजिटल फॉरेंसिक्स का। सो गाइस ये था वीडियो अपना डिजिटल फॉरेंसिक्स पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।